नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं। हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक दीपावली का पर्व हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार माने तो दीपावली का त्योहार मुख्य रूप से भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इसी दिन प्रभु श्री राम 14 वर्षों का वनवास काट कर वापस अयोध्या लौटे थे। बताया जाता है कि भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्या के वासियों ने पूरी नगरी को दीपों से सजा दिया था। तभी से इस दिन दीप जलाने की परंपरा चली जा रही है, जिसे दीपावली का नाम दिया गया है। ऐसे में इस बार दीपावली को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। इन्हीं सवालों में एक सवाल यह भी है, आखिर दीपावली 31 अक्टूबर है या 1 नवम्बर को है। अगर आपके मन में भी दीपावली की तारीख को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद वो दूर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दीपावली की सही तारीख के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं किस दिन मनाई जाएगी दीपावली। लिहाजा कार्तिक अमावस्या और लक्ष्मी पूजन के लिए 31 अक्टूबर को शास्त्र संवत माना गया है। इस संबंध में ज्योतिषाचार्य और विद्वानों का कहना है कि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने को लेकर कोई विवाद नहीं है। दिशा पक्ष की गणना में भी 31 अक्टूबर को ही दीपावली सिद्ध होती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार 1 नवंबर को प्रदोष काल में केवल कुछ मिनट ही अमावस्या तिथि रहेगी। ऐसे में लक्ष्मी पूजन का समय नहीं मिलेगा, जबकि 31 अक्टूबर को प्रदोष का और अर्ध रात्रि दोनों में अमावस्या के चलते दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाना सही होगा। 1 नवंबर को क्यों नहीं मानेगी दीपावली? ज्योतिषाचार्य के मुताबिक अगर प्रदोष का 5:41 से 8:50 के बाद रात्र में 24 अमावस्या मिलते तो 1 नवंबर को दीपावली मनाई जा सकती थी। लेकिन 1 नवंबर को सूर्यास्त के बाद केवल कुछ मिनट तक ही अमावस्या मिलने से लक्ष्मी पूजन संभव नहीं है, इसलिए 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाने की बात कही जा रही है। एक तर्क यह भी है कि लक्ष्मी जी केवल एक दिन ही अर्धरात्रि में अपनी कृपा बरसाते हैं और वह कृपा बरसाने के लिए आकाश में भ्रमण करती है, जो कि 31 अक्टूबर की अर्धरात्रि है। ऐसे में ये तो साफ हो गया है कि 1 नवंबर को नहीं बल्कि 31 अक्टूबर यानी कि आज दीपावली मनाई जाएगी। तो आइए अब आपको बताते हैं कि क्या दीपावली की तिथि और शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:50 से लेकर 1 नवंबर को शाम 6:16 तक रहेगी। ऐसे में 31 अक्टूबर की रात को अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए 31 अक्टूबर को ही रात को ही दीपावली का त्यौहार बनाना तर्क संगत है। तो आइए अब जानते हैं कि दीपावली की पूजन विधि। दीपावली व पूर्व दिशा या ईशान कोण में एक चौकी रखें और चौकी पर लाल या गुलाब वस्त्र बिछाएं। पहले गणेश जी की मूर्ति रखें, फिर उनके दाहिने ओर लक्ष्मी जी को रखें। आसन पर बैठे और अपने चारों ओर जल छिड़क ले। इसके बाद संकल्प लेकर पूजा आरम्भ करें। एक मुखी घी का दीपक जलाए, फिर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को पूजन और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद सबसे पहले गणेश और फिर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती करें और शंख ध्वनि करें। घर में दीपक जलाने से पहले थाली में 5 दीपक रखकर फूल आदि अर्पित करें। इसके बाद घर के अलग अलग हिस्सों में दीपक रखना शुरू करें। घर के अलावा कुएं के पास और मंदिर में दीपक जलाएं। दीपावली का पूजन लाल, पीले या चमकदार रंग के वस्त्र धारण कर करें। ध्यान रहे, काले, भूरे या नीले रंग के वस्त्र से परहेज करें। फिलहाल इस खबर में इतना है। हमारे साथ अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।